चल दीजिए पीछे। भारत के अदर संत थे, हिंदुत्व को सनातन को जगाने के लिए जो उन्होंने अपना काम किया है वो अपने आप में एक उदाहरण रहा है। अमेरिका में जाकर के अपनी राष्ट्रभाषा में भाषण दे करके और सभी लोगों को, सभी विश्व को साथ में लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके 39 साल की एज में जो उन्होंने मापदंड स्थापित किए हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कल उनका जन्मदिन है, उससे एक दिन पहले यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर चमनलाल जी गुप्ता जी, उन्होंने एक बार आदेश दिया था कि यहाँ पर मूर्ति लगानी है। थोड़ी देरी हुई लेकिन आज ये जो मूर्ति लगी है ये उनको भी एक, मुझे लगता है, श्रद्धांजलि है, जिनकी एक इच्छा थी कि यहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति लगे। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में एक चैरिटी के माध्यम से जो लोग यहाँ पर आते हैं ये उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। मैं कविंदर जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से, उनके एफर्ट्स के चलते स्वामी विवेकानंद जो हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस महान विभूति की मूर्ति जो है अनावरण करने का हम सबको मौका मिला है। उस महान विभूति को हम लोग उनके जन्मदिन के ऊपर याद करते हुए, उन्होंने हमेशा से पूरे युवा शक्ति को जोते हुए प्रेरणा दी, इस देश को एकजुट होकर चलने की प्रेरणा दी। मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश का योगा, मेरे देश के बाहर कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। उस महान विभूति को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए और ख़ास तौर पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आज कविंदर जी के साथ इस मूर्ति के अनावरण में रहने का मौका मिला है। एक उस महान विभूति जिन्होंने इस देश को एकजुट करके एक प्रेरणा का स्रोत देने की कोशिश की है, नौजवान शक्ति को भी उनसे प्रेरणा लेकर यहाँ पर जाना चाहिए। जम्मू के इंटायर एरिया में हम इस साल में 3 प्रतिभाएं हमारी जो है अनावरण उनका किया गया, एक अटल जी का, हमारा बंदा बैरागी जी का और तीसरा हमारा विवेकानंद जी का। हमारे जो कविंदर जी है उनके द्वारा जो ये स्टैचूज बनाए गए थे और कंसर्न्ड एरियाज में इनका अनावरण उनके कर कमलों के माध्यम से किया गया, एक ऊर्जा, एक प्रोत्साहन हमारे युवा पीढ़ी को देते हैं हमारे विवेकानंद की, जिनका जन्म जयंती कल मनाने हम जा रहे हैं। एक प्रेरणा का स्रोत है कि युवा इस प्रतिबिंब को मात्र एक चिन्ह ना समझें, इनसे ऊर्जा और प्रेरणा लेते हुए जो इतनी अल्प आयु में 39 साल की उम्र में उन्होंने जो कार्य भारतवर्ष के लिए उन्होंने किए, उनको अपना जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने भारत को संजो कर रखने का प्रयास करें, ऐसा हम लक्षित हैं। जय भारत। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।